लेकिन जिसका साया अल्लाह ताला ने लिया होता है उसकी फरियाद सुनने के लिए मैं आदम फिजा को इन शहरों से दावत देती हूँ। फिक्र था वफा का मोहब्बत का खुदा था, फिक्र था वफा था मोहब्बत का खुदा था, वो शख्स जमाने में सबसे जुदा था। चाहत के खजाने थे हर लफ्ज़ में उनके, चाहत के खजाने थे हर लफ्ज़ में उनके, दामन मेरा उसने दुआओं से भरा था। उस शाम की हिद्दत मेरे दिल से नहीं जाती, उस शाम की हिद्दत मेरे दिल से नहीं जाती, जिस शाम से तेरा साया मेरे सर से उठा था। आपकी तालियों की गूंज में आदम फिजा। पापा किसी कहते हैं ये सबसे ज्यादा वही जाता जो इस अनमोल नेमत से महरूम। मैं भी इस अनमोल नेमत से महरूम की गई हूँ। मेरे गरीब पापा जो हर वक्त मुझसे झूठ बोलता था कि मुझे कभी भूख नहीं लगती, मैं कभी नहीं थकता, मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। वो सिर्फ मेरी खुशी के लिए झूठ बोलता था। मेरी भी गुनाह मजदूर और तक के ही पापा को इसी जालिम ने मुझसे चीन कर बम से उड़ा दिया और मुझे अजीब सा नाम दिया गया है। ये तीन लेकिन ए जालिम तुझे क्या पता कि तुम एक ऐसे बच्चे को यतीम कर रहे हो कि वो पहले से यतीम है, उसकी माँ नहीं है। बेगुनाह और मासूम लोगों को मरवाना आसान है, लेकिन ए जालिम एक दिन यतीम बन के दिखा पता है जब अदन पिज़्ज़ा से यतीम बनी हूँ ना, सारे लोग बहुत संदिल हो गई है, घर वाले मेहल्ले वाले दोस्त यहाँ तक मेरे अपना पापा भी। उस दिन जब मैं अपने पापा की कब्र पे गई बहुत रोई, चीखी चिल्लाई पापा को उठाना चाहा कि उठो पापा, मुझे स्कूल ले चलो, मुझे और बच्चों की तरह स्कूल जाना है, मुझे भी लिखना है, पढ़ना है, खेलना है, बड़ी होकर डॉक्टर बनना है बाबा, बाबा आपकी सहारा बनूंगी बाबा, अब आपकी सारी तकलीफों को दूर करूंगी मामा, बाबा उठो ना बाबा उठो ना। मैं कितनी अकेली हो गई हूँ, तुम भी गई हो, मामा भी गई है, अमीरों का घर का काम करते करते थक जाती हूँ पापा, पापा उठो ना पापा, पापा उठो ना पापा, पापा के हाथ तीन दिन की सूखी रोटी भी खाऊंगी पापा, पापा उठो ना पापा, पापा पापा आपके साथ स्कूल जाने का मन कर रहा है बाबा, बाबा उठो ना बाबा।
पापा उठो ना पापा। लेकिन पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, मुझे एक आवाज सुनाया दिया गया कि अब तुम अदन पिज़्ज़ा नहीं, अब तुम यतीम हो और यतीमों का लिखने पढ़ने गिनने कूदने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं।